Hi guys, Akash Gupta this side. This is my first vlog. Please like the video and do subscribe my channel. Don't forget to press the bell icon and you can also follow me on the Instagram. I was going for my exam to Noida, so मैंने सोचा कि मैं रास्ते में ही एक vlog shoot करूँ. Exam complete होने के बाद वैसे भी बहुत दिनों से मैं सोच ही रहा था कि एक vlog shoot करना है. So exam से आधे time waste हो गया था मेरा. मुझे सराय का लिखा मैं सोचा इसी का भी vlog बना लेता हूँ. मैंने वो फर्स्ट टाइम विजिट किया था, इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग व्लॉग, सो प्लीज वॉच टिल एंड. मेट्रो करते ही सरायकेला खान आ गया और यहीं पर है वो मंडल. अगर आप लोग यहाँ मेट्रो से आ रहे हो तो आपको निजामुद्दीन मेट्रो से निकलना होगा. वहाँ से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है, बाकी किसी को भी आप देख सकते हो तो भी बता देगा, बहुत ही ज़्यादा पास है. सो गाइस यहाँ का टिकट काउंटर है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं. रेट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एक नॉर्मल एडल्ट का 50 रुपीज़ का टिकट है एंड बच्चों के लिए 25 है. एंट्री इस गेट से होती है और ये कुछ ऐसा नज़ारा है गेट के अंदर का. और यहाँ पर अभी कुछ रिनोवेशन वर्क चल रहा है. ये यहाँ का कैफेटेरिया है, यहाँ पर खाने पीने की काफ़ी सही चीज़ें हैं और एक डिसेंट सा स्पेस भी है टाइम स्पेंड करने. सो लेट्स गो टू द फर्स्ट वंडर इन दिस पार्क, दैट इज़ पिरामिड्स ऑफ गीज़ा. गीज़ा के पिरामिड, ये कुछ ऐसा दिखता है डे टाइम में. नाइट्स में लाइट्स होती हैं और इफ़ यू गाइस वांट टू सी दिस इन लाइट, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ये पूरा का पूरा वेस्ट से बना है एंड यहाँ पे कई लोग बोल भी रहे थे कि ये तो कबाड़ है, ट्रू बिकॉज ये बहुत ही अच्छा बना है वेस्ट होने के बावजूद. गाइस दिस पार्क इज एन इनिशिएटिव ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट SDMC, जिन्होंने ये पूरा पार्क बनाया सो दैट एवरीवन कैन सी अ कॉपी ऑफ द वंडर्स. एंड दिस इज आवर सेकंड वंडर, दिस इज लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा, जो कि इटली में है. ये 3.9 डिग्री एंगल पर झुका हुआ ग्राउंड से, कैन यू गाइस बिलीव इट, 3.9 डिग्री. इस वंडर को तो सब जानते होंगे, टेल मी द नेम ऑफ दिस वंडर इन द कमेंट सेक्शन. वैसे यहाँ पर डिटेल्स हैं लिखी हुई, आप इन्हें यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं. मानना पड़ेगा एक हूबहू कॉपी बना डाली SDMC ने, सल्यूट टू SDMC. कमेंट सेक्शन में बताएं कौन कौन चाहता है इसको नाइट में देखना, बहुत सा लग रहा है. वैसे मुझे पता नहीं है ये किस चीज़ का पेड़ है, अगर किसी को पता है तो कमेंट कर देना. ओके, आगे बढ़ते हुए हमें ये पॉइंट मिला जिसमें लोगों ने पॉइंट्स डाले हुए हैं. सीरियसली पॉइंट्स डाले हुए, पॉइंट डालो अपनी विश पूरी करो. वाह, ये भी सही तरीका है, जैसे अक्षरधाम में ऐसा होता है. यहाँ पे हर एक चीज़ आर्टिफिशियली बनाई हुई है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ों के पास बंदर हो गए, चाहे और भी चीज़ें यहाँ पे कहीं नहीं, काफ़ी सारे सिक्के पड़े हुए हैं लोगों के. वैसे इस पार्क में सफाई बहुत अच्छी है और यहाँ पर बहुत सारे और भी प्लेसेस हैं जहाँ पर आप एक अच्छी सी पिक क्लिक करवा सकते हैं, थोड़ी टाइम स्पेंड कर सकते हैं. जैसे कि आप देखो यहाँ जो एक ग्रीन साड़ी वाली एंट्री चल रही है, इसके बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बच्चा बैठा हुआ है और यहाँ पे पत्थर काफ़ी अच्छे से अरेंज किए गए हैं, यहाँ पर आप बैठ कर पिक क्लिक करवा सकते हैं. जैसे कि देखो वो पीछे वो पिक क्लिक कर रहे हैं ऑलरेडी. और यहाँ पर कुछ रेस्ट करने के प्लेसेस भी है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक पत्थर बैठा हुआ है. एंड ये है इसका कैफेटेरिया. गाइस हम इसकी कैफेटेरिया को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं अभी जस्ट. सो गाइस कुछ ऐसा दिखता है यहाँ का कैफेटेरिया और यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक डिसेंट सा व्यू है दिन के टाइम पे. यहाँ पे मेन्यू लगे हुए हैं, उनके कैफेटेरिया पे आप पढ़ भी सकते हैं क्या क्या बेवरेजेस एंड स्नैक्स मिल रहे हैं. तो हमने बहुत सोचा और फिर हमने डिसाइड किया कि हम एंड वाली एक कैफेटेरिया पे जाएंगे जहाँ पे हमने टी ऑर्डर करने का सोचा. और यहाँ पे काफ़ी अच्छे बेवरेजेस मिलते हैं, जैसे आप देख सकते हैं दिल्ली सेंट्रल है, यहाँ पे टी पॉजिटिव है. आपको पॉजिटिव का नाम सुनते हुए वैसे ही बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है. सो गाइस मैंने अपना ऑर्डर दे दिया है और मैंने 2 चाय ऑर्डर की है. यहाँ पे चीज़ें काफ़ी महंगी है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा बिल अमाउंट है 105 है और वो है सिर्फ 2 कप्स ऑफ टी का.
उसमें सर्विस चार्जेस भी उसको काफ़ी ज़्यादा लगाया हुआ है। पीपल से गाइस हमने एग्जिट ले लिया है और अब मैं कैब काफ़ी सारे लोग घूमने सीख चुके हैं आज के एंड ऑल स्टेप्स के लिए एंड काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और इफ यू गाइस वांट मी टू मेक अ नाइट व्लॉग ऑफ दिस प्लेस सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। डू फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। थैंक यू गाइस।